वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मैं श्योर हूँ आपने ये जरूर सुना होगा। इसका ये मतलब है जो आपका इंस्टेंटली किसी से भी मिलके एक इम्प्रेशन फॉर्म होता है ना, वो लंबे समय तक सामने वाले के दिमाग में रहता है, तो वो तो आपका बेस्ट ही होना चाहिए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हम किसी से भी मिलने के बाद फर्स्ट 7 सेकंड्स में एक फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन मेक करना है या रुइन करना है। अगर आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट मेक करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख रहे रहना, और साथ साथ चैनल को भी अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब। ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आता है, आप उस पर क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वैसे इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि किसी को भी फर्स्ट इंप्रेशन से जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट इट इज व्हाट इट इज। आप देखो, दुनिया का तो कुछ करा नहीं जा सकता, रहना तो इसी दुनिया में ही है, लोग तो आपको जज करेंगे ही करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दें ताकि लोगों के सामने बेस्ट से बेस्ट इंप्रेशन फॉर्म हो। हो सकता है आप सेम चीज करो और वो किसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े, किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े। अब सबका दिमाग अलग है, सबके ऊपर एक अलग इम्प्रेशन फॉर्म होता है, बट हमने मेक श्योर करना चाहिए हम पॉजिटिव चीजें ही करें ताकि सामने वाले को वो पॉजिटिवली ही अफेक्ट करे। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे आपका फेस, आपकी क्लोदिंग, साथ साथ आपकी टोन, आप खड़े कैसे हो, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन अफेक्ट करते हैं और बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं कि आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बन रहा है या नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है। हम इन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू फॉर्म द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। फैक्टर नंबर 1, मेक आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से आई कॉन्टैक्ट कर बात करते हो ना, तो नजर आता है कि आपकी बात में ऑनेस्टी है, आप उनकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, साथ साथ आप उनकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बट वही जब आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते तो आप बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड नजर आते हो। आप समझ आए क्यों थप्पड़ पड़ते थे जब क्लास में आप मैम की आंखों में देख के नहीं करते थे, उन्हें ऐसे लगता था जैसे आप उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको मेक श्योर करना है अगर आप एक कन्वर्सेशन को एंगेजिंग बनाना चाहते हो ना, तो आपको आई कॉन्टैक्ट ढंग से करना ही पड़ेगा। वो एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, आप बिना बोले अपनी आंखों से बात कर सकते हो, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड लगोगे और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ही गलत फॉर्म होगा। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, घूरने में और आई कॉन्टैक्ट करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपने स्टेयर नहीं करना, एक पॉजिटिव सा आई कॉन्टैक्ट करना, और वो आपका अमेजिंग फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म करेगा। फैक्टर नंबर 2, कीप अ स्माइलिंग फेस। जब आप अपने फेस पे स्माइल रखते हो ना, तो आप सामने वाले को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से वेलकम करते हो, उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हो। अब मैं एग्जांपल अपनी शॉप का लेता हूँ, जब भी कोई नया स्टाफ आता है या कोई भी अगर मान लो कस्टमर आया हमारी शॉप पे, आप अगर उनको स्माइल कर वेलकम करोगे तो उनको बहुत ज्यादा आप कंफर्टिंग लगोगे और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया फॉर्म होगा। वहीं आपने एकदम सड़ा सा फेस बनाया हुआ, एकदम बुरा सा फेस बनाया हुआ, तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब ही बनेगा। हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखो, उसके और भी बड़े फायदे होते हैं। पहले तो आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव रहती है, सेकेंडली आप और ज्यादा ब्यूटीफुल रखते हो, तो एक स्माइलिंग फेस तो आपको हमेशा रखना ही रखना है, चाहे फर्स्ट इंप्रेशन की बात हो या फिर ब्यूटीफुल दिखने की बात हो। फैक्टर नंबर 3, ड्रेस फॉर द ओकेजन। अब आपने किस ढंग से ड्रेस करा है वो बहुत हद तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन अफेक्ट करता है। आप जिस जगह जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनो। अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहने, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनो। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज करो आप जिम में जा रहे हो और वहां पे जीन्स और एक टाइट सी शर्ट पहनकर चले गए, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा और ऐसा लगेगा आप जिम को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं हो, टाइम पास करने आए हो। और वहीं आप कोई इंटरव्यू देने गए हो और लोअर और टी शर्ट पहन के चले गए हो, तो लगेगा आप जॉब के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं हो और आपके लिए कोई ज्यादा ही अफेक्ट नहीं करती। तो आपको हमेशा ड्रेस करना है ओकेजन के अकॉर्डिंग और उससे आपका बहुत हद तक एक पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्म करेगा। नंबर 4, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन। अब ये सबसे गंदी आदत है लोगों की, हर वक्त फोन बस स्क्रॉल करते रहना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सबकी आदत सी बन गई है। एक मेरे को एप्लीकेशन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बताया गया था एक एवरेज बंदा 150 टाइम्स एक दिन में 24 घंटे में अपना फोन स्क्रॉल करता है, तो सोचो कितनी बड़ी एडिक्शन ये बन चुका है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी से बात करते हुए अपना फोन टेबल पे भी रख देते हो ना, तो भी आपकी क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन अफेक्ट हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना अपना फोन बेमतलब चेक नहीं करना जब आप किसी के साथ बैठे हो, उससे ऐसा फील होगा जैसे सामने वाला बंदा आपको बोर कर रहा है और आप लोग बिल्कुल डिसकनेक्टेड फील होगे। ये बहुत एक गंदी हैबिट है, आज के जिस हैबिट को छोड़ो, स्पेशली जब आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ हो, आप अगर अपना फोन टच करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंप्रेशन ही फॉर्म होगा। फैक्टर नंबर 5, यूज अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमारे को देखो किसी से भी बात करने के ना टोटल 3 तरीके होते हैं,
हमारी आंखें, हमारी जबान और तीसरा हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो आपको बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। जब आप देखो कहीं भी बैठे हो, इंपॉर्टेंट जगह बैठे हो, हमेशा स्ट्रेट होके बैठो, खड़े हो स्टैंड स्ट्रेट होके करो, अपने नेक को बिल्कुल सीधा रखो। इससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हो और कॉन्फिडेंट रखते हो। और इसके अलावा जब आप किसी से हैंडशेक करते हो, एकदम फर्म और टाइट हैंडशेक होना चाहिए, उसे एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है सामने वाले की तरफ। नॉर्मली आप जब कहीं भी खड़े हो, आपको क्रॉस्ड आर्म्स या क्रॉस लेग्स में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना। वो सीधा सीधा एक ऐसा सिग्नल देता है जैसे आप नॉट अवेलेबल हो, एक क्लोज सा सिग्नल देता है। आप कभी भी देख लेना, जो लोग ऐसे खड़े होते हैं वो बहुत एरोगेंट नजर आते हैं। तो आपको मेक श्योर करना, अगर किसी के ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देना है ना, एक कंफर्टेबली खड़े रहो, कॉन्फिडेंटली खड़े रहो, बट क्रॉस आर्म्स बिल्कुल भी नहीं करने। नंबर 6, फॉरगेटिंग पीपल नेम्स। आपको मेक श्योर करना है कि ये बैड मेमोरी वाला बहाना हर वक्त नहीं चल पाएगा। आई एम नॉट गुड विद नेम्स, ये बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगर आप सामने वाले का नाम याद रखते हो तो ऐसा लगता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे मिल रहे हो और आप बोलो हेलो रोहित, हाउ आर यू, तो मुझे लगेगा जैसे आप मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो या बहुत अच्छे से मुझे पसंद करते हो। तो आपने मेक श्योर करना है, लोगों का नाम याद रखना है, और साथ साथ एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जब आप किसी से भी बात करते हो तो उसका नाम लेकर बात करो। उसे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ऐसा लगता है आप सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करते हो, वैल्यू भी करते हो। और वही जब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बंदा आपको मिला और आपको नाम बिल्कुल भी नहीं याद, तो आपने मेक श्योर करना है ऐसे फ्रेजेस बिल्कुल यूज ही नहीं करने जब नाम की जरूरत पड़े। उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा, बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है तो नाम रखना याद शुरू कर दो आज से। फैक्ट नंबर 7, बीइंग लेट। अब देखो मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं बहुत पंचुअल हूं। कहीं भी पहुंचना होता है ना, मैं 5 मिनट पहले पहुंचना पसंद करता हूं और वो मेरी आदत सी बन गई है। बट यही आप जब अपना किसी से मिलने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग है, या बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप मिलने जा रहे हो, तो कोशिश करो अगर 10 बजे का टाइम है ना, 9:55 पे पहुंचो। अगर आप लेट पहुंचोगे ना तो पता है क्या इंप्रेशन जाएगा, जैसे सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं है और आप ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते उसके टाइम की। देखो अगर आपके टाइम की वैल्यू है तो सामने वाले टाइम की तो वैल्यू है ना। तो आपने मेक श्योर करना है, जल्दी पहुंचना एक बहुत अच्छी आदत है, लेट पहुंचते तो एनी डे बेटर है। तो अगर आप एक बढ़िया इंप्रेशन फॉर्म करना चाहते हो ना, हमेशा टाइम पर ही पहुंचो, बल्कि 5 मिनट पहले पहुंचो। आप देखो ये दोस्तों के साथ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका पर्सनल रिलेशन है, आपकी जैसी आदत बनी है वैसे करो। बट जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट बंदा है तो मेक श्योर करो हमेशा ऑन टाइम ही आपने पहुंचना है। अगर आपकी नज़र में मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया जो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नीचे जाके उसको कमेंट करो ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाए और अडेप्ट कर पाए। बाकी आपका कौन सा वाला फेवरेट पॉइंट था हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो ताकि वो भी एक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म करें। सिर्फ आप अकेले ही नहीं, अब आप ही के तो दोस्त है। हम आपसे मिलेंगे तब तक बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।